हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ रसमलाई की रेसिपी लेके। ये बहुत ही टेस्टी होता है और ये स्वीट डिश बहुत ही फेमस है। तो चलिए शुरू करते हैं रसमलाई बनाना। रसमलाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 लीटर मिल्क और उसी तरह से मैंने लिया है छेना। ये छेना बनाया हुआ है मैंने। दूध को उबाल के उसको नींबू लगा के उसको पका के मैंने ये फ्रेश छेना बना लिया है। इसी तरह से हमको चाहिए 1 कप चीनी और उसी तरह से हमको चाहिए 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर और हमको चाहिए ड्राई फ्रूट्स, इसमें है पिस्ता और आलमंड। इसी तरह से हमको चाहिए क्रश किया हुआ इलायची और हमको चाहिए कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून और हमको चाहिए पानी। तो फ्रेंड्स, चलिए हम शुरू करते हैं रसमलाई बनाना। हम रसमलाई का डो बना लेते हैं। कैसे, हम इस छेना को ले लेंगे। तो लेने के बाद में हम कॉर्नफ्लावर मिक्स कर देंगे और इसका हम अच्छी तरह से डो बना लेंगे। मैश करते हुए अच्छी तरह से मैश करके हम इसका डो बना लेंगे। रसमलाई के लिए ये डो अब तैयार हो चुका है। अब हम इसका छोटे छोटे टुकड़े लेंगे इस तरह से और इसको गोल करेंगे हाथ से। इस तरह से गोल करते हुए हम इसको गोल करते हुए रखते जाएंगे। इस तरह से मैंने सभी बॉल्स बना लिए हैं। छोटे छोटे सब एक ही साइज के बॉल्स मैंने बना लिए हैं। अब मैं इसके लिए शुगर सिरप बनाऊंगी। यहाँ पर एक पैन ले लिया है। अब मैं इसमें शुगर सिरप बनाऊंगी। तो मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। दो कप हुआ, इससे 3 कप। अब हम इसमें शुगर डालेंगे। सभी हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये शुगर सिरप बॉइल हो चुका है। अब हम इसमें बॉल्स को ऐड कर देंगे। तरह से हम सभी बॉल्स 1 बाय 1 रखते चले जाएंगे। इसको हम ढक के पकाएंगे 15 मिनट तक हाई हीट में। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। ये हो चुका है। अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा कर लेते हैं। हम गैस को ऑफ कर लेते हैं। तो हम थोड़ी देर ठंडा कर लेते हैं। रसमलाई को मैंने ठंडा होने के लिए ये बॉल्स को रख दिए हैं इस ट्रे पे। ये अब थोड़ी देर के लिए हमें ठंडा करना है। गैस पे मैंने एक पैन रख लिया है और मैंने उसमें दूध डाल दिया है। अब हम इसको बॉईल करेंगे। तो बॉईल होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे इस तरह से। ये अब बॉईल होने लगा है। बॉईल होने के बाद अब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर रहे हैं। ये मिल्क पाउडर ये मिल्क को थिक बना देगा। तो हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा मिल्क अब काफी थिक हो चुका है। अब हम इसमें इलायची ऐड कर देंगे। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देते हैं। अब इसको भी मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से। अब हम बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। हमको और ठीक करना है इसको। ये
ये मलाई अब काफी थिक हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, गैस को हम ऑफ कर देते हैं। मैंने ये प्लेट ले लिया है, अब मैं इसमें रोल्स को वन बाय वन रख रही हूँ। इस तरह से सभी बॉल्स मैंने रख लिए हैं। अब मैं इसमें ऊपर से मलाई रख रही हूँ, इस तरह से ऊपर से हम मलाई रख लेंगे। अब ये रसमलाई रेडी और सर्व हो चुका है। आप इसको ओवरनाइट डीप फ्रीज में डाल के रख सकते हैं और सुबह को मॉर्निंग में आप ये सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया हो तो हमें लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।